दोस्तों सावन का महीना वर्षा और हरियाली से भरपूर होता है और इस मौसम में बीमारियां होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए इस महीने में खान पान में खास सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा सावन में हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव की आराधना होती है और सोमवार के दिन व्रत रखे जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पूरे महीने सावन का व्रत रखते हैं। खैर ये तो अपनी अपनी धार्मिक भावनाएँ हैं, किंतु आपने कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों द्वारा शायद सुना होगा कि सावन में कढ़ी खाने से गधे बनते हैं और ज़्यादातर ये कहावत ग्रामीण इलाकों में सुनने को मिली होगी। तो क्या है बड़े बुजुर्गों की कहावत के पीछे की सच्चाई? क्या वाकई सावन में कढ़ी खाने से गधे बनते हैं और गधे बनने से मतलब है कि अगले जन्म में गधे बनते हैं? तो चलिए जानते हैं कि इस राज के पीछे का क्या संदेश छिपा है, क्योंकि दोस्तों बड़े बुजुर्गों की कहावत काफ़ी हद तक सही होती है, बस हमें उसे अच्छे से समझना होता है। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कढ़ी छाछ के द्वारा बनाई जाती है और सावन महीने में दूध से बने प्रोडक्ट का प्रभाव हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है और कढ़ी खाने से हमारी पाचन क्रिया खराब हो सकती है और हमारे गले के लिए भी इन दिनों कढ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इन दिनों कढ़ी खाने से हमारे शरीर में वात की समस्या बढ़ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस महीने हमारी पाचन क्रिया धीमी रहती है, इसलिए इन दिनों कुछ लोग पूरे महीने का व्रत भी रखते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें सावन महीने में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।